आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारी लोकतंत्र में व्यवस्था है। जात धर्म और लिंग और पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। सलाहकार समितियों पर बोली, जात धर्म सलाहकार समितियों में कहा जाता है। और अजय जी, चाहे इधर हो या उधर, जब हम लोग दुखी होते हैं तो केवल आपकी तरफ देखते हैं। शायद पीठ से जनप्रतिनिधियों की उम्मीद पर आप खड़ा उतरेंगे, हमें संरक्षण मिलेगा। 2 साल हो गया माननीय अजय जी, और मैं जितनी समितियां हैं जिला की, शिक्षा सलाहकार, सिंचाई बंधु सलाहकार समिति हो, स्वास्थ्य सलाहकार समिति हो, समाज कल्याण सलाहकार समिति हो, और तो सिंचाई बंधु सलाहकार समिति के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जनजीवन से। हम जब जनप्रतिनिधि बन के आते हैं तो हमसे जनता की बड़ी उम्मीद होती है। हम पहले 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन 62 साल वाले से, 60 साल वाले से उम्मीद कम, हमसे अधिक उम्मीद रखते हैं। लेकिन माननीय जी, यही नहीं, माननीय अधिक जी 36 साल के कार्यकाल में मैं पहली बार जीएन फर्स्ट, जीएन सेकेंड, जीएन थर्ड जिला योजना की मीटिंग होती थी। हमारे जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं, 22-23 में एक दिन पहले, मार्च का खत्म होने से एक दिन पहले मीटिंग की है जिला प्लान की। तो हमने कहा कि हम लोग बहिष्कार ही कर दे तो अच्छा है। आए थे, पहली बार आए थे, हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, चलिए, मैं आप कह रहे तो हम लोग मान कर बैठ गए। एक दिन पहले, कल खत्म होने वाला है जिला साला का, जिला योजना की मीटिंग हुई 23-24 से। माननीय अध्यक्ष जी, गाजीपुर जनपद में जिला योजना की बैठक हुई ही नहीं। ये पहली बार मैं देखा कि जिला योजना की मीटिंग है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग कितने ऑफिस में दौड़े, किन किन अधिकारियों के पास जाए। महीना में एक बार सलाहकार समिति की मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग से कहीं ना कहीं नतीजे निकलते थे। नतीजा मिलते थे सार्थक। कोई अधिकारी मनमानी करता था तो उसको अंकुश भी लगता था। जनप्रतिनिधि अपनी बात को सलाहकार समितियों में बुलाकर लोगों से बात करता था। जिला के सभी सर्वमान्य अधिकारी रहते थे, डीएम से लगाए, चीफ से लगाए, सलाहकार समिति। दिशा का मीटिंग साल भर में एक या दो हो जाए तो हो जाए। हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ भी बैठते देखे हैं, उधर भी बैठते देख रहे हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद माननीय अध्यक्ष जी बदले बदले सरकार नजर आते हैं। मैं ये बदल तो गया, यहाँ से वहाँ हैं। हाँ, यहाँ से वहाँ गए। मेरा आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि आपके पीठ से जितनी सलाहकार समितियाँ हैं जिला की, उनकी बैठक जरूर सुनिश्चित करा दें कि जनप्रतिनिधि कम से कम अपने सम्मान, इलाके की देखभाल और अपनी जिम्मेदारी से यह बता सके कि हमारी जिला में ये समस्या है और उन्हें मैं करने का काम कर रहा हूँ। और उसका नतीजा अध्यक्ष जी, सिंचाई बंधु के पता कर लीजिए, बिजली के बारे में सभी जनप्रतिनिधि उधर हो या इधर हो न बोले, अलग बात है कि सत्ता पक्ष के मंत्री जी बोले तो हम तबला बजा दें। तो हम जनप्रतिनिधि सब ताली बजाने या तबला बजाने के लिए थोड़ी आए, हम आए हैं अपने इलाके की तरक्की और विकास के लिए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि पीठ से कम आप निर्देश दे दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बड़े भाई हैं, लोकतंत्र से भी हम सब लोग की पहचान बनी है, और ये संस्था ही खत्म कर दिया जाएगा तो ये मत सोचा जाए कि क्यों हम इतिहास के अंतिम व्यक्ति, इसके बाद इतिहास बंद हो जाएगा। हम सभी जनप्रतिनिधियों को बड़ी उपेक्षा की जा रही जेलों में अधिकारियों के तहत। और ये अधिकारी जिनके बारे में सत्ता में आने के बाद हम कहते हैं कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आती है, तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। इतना नहीं, चलिए बैठिए। जवाब नाम भी नहीं लिखे जा रहे हैं, तो जैसा हम चाहेंगे माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम जनप्रतिनिधियों की हिफाजत आपसे नहीं सोच जवाब। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जानता हूँ, शायद काम भी किया हूँ, बैठा भी हूँ, उठा भी हूँ,
मैं चाहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी आज बोले, बड़ा कष्ट हुआ कि आप कहे कि अभी समितियां बनी कि नहीं। अरे माननीय अध्यक्ष जी, 2 साल से अधिक बीत गया और अभी तक बनी नहीं, इसकी जिम्मेदार कौन है? हम हैं। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं जरूर माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करेंगे कि हम क्या संरक्षण यदि आपसे नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम प्रकाश जी बहुत सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के, तो पार्लियामेंट में भी रहे हैं। मान्यवर दिशा की बैठक होती है, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में पुलिस अधीक्षक भी महीने में एक बार अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सभी लोगों के साथ बैठते हैं। सुनिए सुनिए मानवर, इसको हम सुनिश्चित कर देंगे आज ही। उसके लिए पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं और लिखित में भी हैं कि वो हर महीने में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात ज़रूर करें, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो शासनादेश है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि केवल कौन लोग मिलेंगे। सभी जनप्रतिनिधि जो हैं, खासतौर से विधायक, उनके साथ बैठेंगे। रही बात मानने पर दूसरी समितियों की, तो बरसों से मानने पर उनका गठन नहीं हुआ, ये सही है, लेकिन आपने इस बात को कही है, हम नेता सदन से बात करके पीठ को भी अवगत करा देंगे और सदन को भी अवगत करा देंगे कि इस प्रकार की समितियों को के बारे में जो परिस्थिति है। लेकिन आप तो इतने सीनियर हैं, आपके बुलाने से कोई भी शायद ही कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का अधिकारी हो, कितनी बार मंत्री रहे, कितनी बार पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं और यहाँ भी 7-8 बार, तो यहाँ हम देख रहे हैं जब से ये चेहरा इसी तरीके से दिखाई पड़ता है, कभी कभी इधर दिखाई पड़ता है तो कभी कभी टीवी पे भी देख लेते हैं आप। बीच में रंगाई पुताई बीच बीच में होती रहती है। मंत्री जी, इटावा जनपद में कोई तो मीटिंग नहीं होती है, बुलाते भी नहीं और यहाँ तक के फोन भी नहीं उठाते हैं। SSP था, ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हमने पिछली बार बाकायदा शासनादेश करवाया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, ताकि सारे अधिकारियों के ऊपर वो समान रूप से लागू हो, और ये अपने आप में इसको दिखवा भी लेंगे। और फोन के लिए ये भी है प्लीज़, कि जिस समय भी अगर किसी मीटिंग में व्यस्त हो तो लौट के कॉल बैक ज़रूर करें। ऐसा भी नहीं होता है माननीय, ऐसा नहीं होता। ये आपका शासनादेश गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी ये लोग सत्ताधारी दल के लोग जाते हैं, चुपके से बैठते हैं, चाय पी के अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन विपक्षी को भी बुलाते नहीं। ये आप निश्चित कर दें कि जब वो उनको सूचित करें वो आए या ना आए, लेकिन कम से कम उन्हें LIU के माध्यम से या स्थानीय थानेदार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को सूचित कर दें कि फला तारीख को यहाँ होगा, आप आवें, इतना तो आप निश्चित करा दें। ये ठीक है मान्यवर, ऐसा मत करिए, जिले योजना में कम से हम खत्म करा रहे हैं। अरे जिला योजना की मीटिंग मैंने देखी, मतलब हम लोग 88 से देखते आ रहे हैं। जिला में सरकार किसी की हो, जिला योजना में हर जनप्रतिनिधि बैठता है, अपनी अपनी समस्याओं करता है। जिला योजना में नहीं बैठक होगी तो माननीय मंत्री जी अब आपको क्या बताएं, आपको जिस समय हरियाली दिखाई दे रहा चारों तरफ, हम लोग क्या उतना नहीं सुना जा रहा है जितना आप कह रहे हैं। बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मीटिंग में न तो मुझे किसी के आने से परहेज है और न किसी की बात सुनने से परहेज है। यहाँ तो हम खूब छिली छिली सुनते हैं सवेरे शाम तक, यहाँ कौन सी बात रह जाती जो नहीं कही जाती, जो कहने वाली है वो भी कही जाती है, जो नहीं कहने वाली है वो भी कही जाती है, वो भी सुनते।
लेकिन लेकिन मान्यवर यह बिल्कुल मंशा नहीं है, ये नियत भी नहीं है कि हम आपकी बात न सुने। सहमति या सहमति अलग बात है, लेकिन सुनेंगे जरूर, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से बोलते रहें, हम चाहते जरूर चाहते हैं, और इसी तरीके से हमारी आलोचना करते रहें, जरूर चाहेंगे आप। हो गया अमृता जी, अच्छा जी बैठे बैठे ना। ये जो जिला योजना की बैठक होती थी, आप भी विधायक थे, आप भी जानते होंगे, उसमें पूरे जिले के बारे में योजनाएं बनती थी। अब वो परिपाटी खत्म हो गए और वो योजना की मीटिंग का ब्यौरा, बजट का ब्यौरा आपके यहाँ आता था, और वित्त मंत्री जब बजट बनाते थे उसको देख के उसमें कहीं ना कहीं कुछ समायोजित करते थे, और उतनी धनराशि उस जिले को अलग से उसमें आवंटित भी होती थी। लेकिन ये प्रथा बंद हो गई, इस तरह की बैठक नहीं होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसमें दो बात होता था कि जब विधायक बैठते थे, अधिकारी बैठते थे, प्रभारी मंत्री बैठते थे, तो जो आपका बजट है, कितना खर्च हुआ कितना नहीं खर्च हुआ, इस पर भी चर्चा हो जाती थी और काम की गुणवत्ता पर भी बात होती थी। तो इस प्रथा को आपसे माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, इसको जला दें। हमारे मंत्री जी शर्मा जी हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे ज़िले में जाते तो हैं, लेकिन 1 बजे पहुँचते हैं, 4 बजे चले आते हैं, किसी से भेंटें नहीं हो पाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक इससे एक लाभ हो जाएगा, संसद का मंत्री जी आप भी जानते हैं कि बजट जो आपका है वो सही टाइम पर वहाँ पहुँचता नहीं है, तो पता चल जाएगा कि इसकी कितनी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई, कितनी वित्तीय स्वीकृतियाँ नहीं जारी हुई। पहले जब होता था, जब नहीं पता चल जाता था तो हम लोग आके यहाँ वित्त सचिव से, वित्त मंत्री जी से हम आग्रह करते थे कि भाई वित्तीय संस्तुतियाँ जारी कर दीजिए। और यही कारण है कि बजट टाइम से खर्च नहीं होता है तो कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाता है 20%। तो जो काम आप 1000 में कराना चाहते हैं वो 1200 में होता, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ इसको चालू करा दें। धन्यवाद, आपकी बात का संज्ञान भी ले लिया और हम चाहेंगे भी कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। मैंने माननीय ओम प्रकाश जी को सुना, माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, बहुत सारे विषयों के ऊपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान लेकर उसका उपयुक्त उत्तर दे दिया, जिससे हम सब संतुष्ट हैं।